हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट की। अगर आज के दिन की बात करें तो आज के दिन हमको इसमें 2% के ऊपर के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है, और मार्केट में भी आज के दिन में हमको तेज़ी देखने के लिए मिली है, रिकवरी नज़र आई है। स्टॉक ने 44 के लेवल से रिजेक्शन लिया है और यहाँ से लगातार हमको गिरावट नज़र आ रही है। देख सकते हैं कि लोअर लो पैटर्न बन रहा है, एक छोटा मोटा जंप आ रहा है और फिर सेलिंग प्रेशर आ रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है और फिर ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर जंप आ रहा है, फिर ब्रेक डाउन हो रहा है। और जहाँ इस वक्त क्लोजिंग दिया है 3480 का लेवल, एक इसका रेजिस्टेंस है 3480 का लेवल, और स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस जोन में ही हमको क्लोजिंग दिखाई है। हम देख सकते हैं कि उसी के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा था और उसको जब ब्रेक डाउन दिया है तो हमको गिरावट दिखाई है। अब इस स्टॉक में अगर और रिकवरी आती है तो फिर वैसी सिचुएशन में हमको 3650 तक के पहला टारगेट रहेगा, 3650 का लेवल। अगर इसको ब्रेकआउट देगा तो फिर वैसे बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी, 40 का लेवल को भी रिटेस्ट करता हुआ नज़र आ रहेगा। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। स्टॉक इस वक्त गिरावट में, तो यहाँ थोड़ा इंतज़ार करना बेहतर है। स्टॉक को पहले 3650 के लेवल को ब्रेकआउट होकर सस्टेन होने देना है। अगर इसको इसके ऊपर क्लोजिंग मिलके देखकर सस्टेन हो जाता है तो हमको फिर से 40 से लेके 44 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर स्टॉक 32 के लेवल को ब्रेक डाउन देता है तो ऐसे कंडीशन में हमको 30 तक की गिरावट नज़र आ सकती है, और फिर 30 के लेवल को से हमको अगेन यहाँ बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। 30 के नीचे स्टॉक का जाना मुश्किल नज़र आ रहा है, यहाँ से हमको रिकवर होता हुआ नज़र आ सकता है।